आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में उपस्थित बिहार सरकार के वरीय मंत्री माननीय विजय चौधरी जी, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता माननीय विधान पार्षद नीरज जी, पार्टी के कोषाध्यक्ष माननीय विधान पार्षद ललन सराफ साहब और मुख्यालय प्रभारी चंदन सिंह जी, आप उपस्थित प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, छायाकार साथी, डिजिटल मीडिया के साथीगण, आप सबों का इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सब जानते हैं कि हमारी सरकार के साथ इसे योजना 2 के द्वारा जो 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने उपलब्ध कराने के संदर्भ को लेकर इसके बारे में विस्तार से हमारे माननीय मंत्री जी रखेंगे आप लोगों को बीच में, लेकिन कुछ बातें हम आप लोगों से साझा करना चाहते हैं कि हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहने में नहीं करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं जो बिना काम के क्रेडिट लेने के लिए बेचैन रहते हैं। आप सभी जानते हैं कि आज बिहार में बिना भेदभाव लिंग से ऊपर उठकर सभी वर्ग के लिए, सबों के लिए विकास हो रहा है, चाहे बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, नौकरी हो। विगत 2020 में हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने घोषणा किया था 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर। हमें यह कहते हुए बहुत अनुभूति महसूस हो रहा है कि आज जो 10 लाख नौकरी देने का उन्होंने घोषणा किया था, वह 12 लाख नौकरी देने की ओर अग्रसर हैं, और जो 10 लाख रोजगार सृजन करने के लेकर, रोजगार देने के उपलब्ध कराने को लेकर उन्होंने घोषणा किया, उसको लेकर आज 22 लाख की ओर हम लोग पहुँच रहे हैं। इस संदर्भ में विस्तार से हमारे माननीय मंत्री विजय चौधरी जी रखेंगे। बहुत सीमित संसाधन के माध्यम से जो आज दृढ़ इच्छा शक्ति के देन हैं कि हमारे नेता बहुत सीमित संसाधन में बहुत बेहतर हमारा बिहार को लेकर जा रहे हैं, लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए मैं अपने पार्टी की ओर से, मैं माननीय अपने नेता, सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और NDA सरकार को इस अवसर पर बहुत बधाई उनको देता हूं, और आगे मैं आग्रह करता हूं माननीय मंत्री विजय चौधरी जी से कि इस संदर्भ में विस्तार से आप लोगों को ब्रीफ करें। हम लोगों के अध्यक्ष जी, नीरज जी, सराफ साहब और चंदन जी के साथ यहाँ उपस्थित सभी मीडिया के साथ ही गांधी जी आ गए। आज जैसा कि शुरुआती रूपरेखा बताने के क्रम में हमारे अध्यक्ष जी ने बताया आपको कि मूल रूप से हम लोगों ने आपको आमंत्रित किया है यह बताने के लिए कि हम लोगों की NDA सरकार के लिए बिहार में युवाओं और रोजगार, मैंने युवा और रोजगार, युवाओं से संबंधित समस्याएं और जो हम उनके लिए रोजगार सृजित कर रहे हैं। क्यों साफ नहीं है क्या? आवाज किन्हीं को आवाज मिलने में दिक्कत है? हाँ? तो
मुख्य रूप से जो हमारे सरकार की नज़र में युवाओं की और उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराने की कितनी बड़ी और अहम प्राथमिकता है, उसके बारे में हमने चर्चा करने के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया है। कल जो मुख्यमंत्री जी के तरफ से पूरे प्रदेश के लोगों को वाकिफ कराया गया है कि जैसे 2020 से जब हमारी एनडीए की सरकार बनी थी, जिसको बिहार के लोगों ने अपना समर्थन दिया था, उसी समय हम लोगों ने अपने अहम कार्यक्रमों की रूपरेखा 7 निश्चय 2 के माध्यम से, आपके माध्यम से भी लोगों के सामने रखी थी। और उसमें भी आपने देखा होगा कि युवाओं की समस्याओं को दूर करने और खास करके जो हमारे युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित करने में हमारी कितनी दिलचस्पी है और हम इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, ये हमने उसी समय अपनी प्राथमिकताओं के माध्यम से लोगों को बताया था। और आज जब इस कार्यकाल के सरकार के लगभग 3.5-4 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तब मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के लोगों को एक तरह से जानकारी दी है कि हमने जो वादा किया था या हमने जो आपको भरोसा दिलाया था, उस क्षेत्र में या उस मोर्चे पर हमने कितनी बड़ी सफलता हासिल की है, वो हम लोगों के सामने मुख्यमंत्री जी ने, मैंने हम लोगों ने रखा है। और आज यह स्पष्ट है कि भले कोई व्यक्ति या कोई पार्टी कुछ भी दावा करे, लेकिन आपके सामने जो आंकड़े आए हैं और वो सभी आंकड़े प्रामाणिक हैं, सभी विभागों से संकलित आंकड़े हैं, क्योंकि उसमें जो बातें कही गई हैं, जो आपने देखा होगा, क्योंकि आज मीडिया के हर क्षेत्र में उसका जिक्र आया है कि चाहे अब तक जो सरकारी क्षेत्र में नौकरियां दी गई हैं, चाहे रोजगार सृजित किए गए हैं, या फिर सरकार के दूसरे सरकार से अलग भी जो सृजित होने की संभावना या स्थिति पैदा की गई है, उसका भी जिक्र है। तो हम तो सबसे पहले आपके माध्यम से बिहार के लोगों को यह बताना चाहते हैं कि हमने जो आपसे वादा किया था और उस वादा को पूरा करने के लिए हमने जो कार्य योजना 7 निश्चय 2 के माध्यम से बनाई थी, उस पर न सिर्फ हम ईमानदारी और मुस्तैदी से पहल कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, बल्कि हमारे प्रयासों का नतीजा है कि जो हमने अपना लक्ष्य निर्धारित किया था, जो हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे कि जैसे 10 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी क्षेत्र में नौकरियां देने का वादा किया था, और अभी जो आंकड़े बताए गए उसमें वो लगभग 12 लाख से भी अधिक पहुँच रहा है। उसी तरीके से रोजगार सृजन के मामले में भी जो हम लोगों ने 10 लाख का वादा किया था, वो तो अभी लगभग उसके दोगुनी से भी अधिक की संख्या पहुंच रही है। तो ये हमारी मुस्तैदी और ईमानदारी से अपने वादे को निभाने का ही परिणाम है। तो एक तो ये कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब सरकार काम कर रही है, तो वो
जो सरकार जनता से वादा करती है उसको सौ समय और समयबद्ध तरीके से पूरा करती है। दूसरी चीज जो इन आंकड़ों में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आंकड़े लगातार 2020 से जब से एनडीए की सरकार बनी थी तब से लगातार चल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि किसी खास इस पीरियड में, इस काल में, किसी खास समय में रोजगार मिला हो और उसके पहले या उसके बाद में नहीं मिल रहा। इसीलिए हमने उसके सारे ब्रेकअप बताए हैं जो 2020 से लेके अभी तक कितने रोजगार हुए हैं और अभी भी अगले एक वर्ष में जो हमारे इस कार्यकाल का बचा हुआ है उसमें हम और अधिक कितने रोजगार, चाहे सरकारी क्षेत्र में हो या फिर मतलब जो निजी क्षेत्र में है या गैर सरकारी क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, सरकारी नौकरियां हो या सरकारी योजनाओं के माध्यम से हमारे युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने की बात हो, तो ये एक तरह से हमने उसे बिल्कुल समय काल के हिसाब से अलग अलग समय में भी जो हमारी उपलब्धियां रहे हैं हम बताना चाहते हैं, क्योंकि ये किसी खास एक ही समय की बात नहीं है, ये हमारी लगातार प्राथमिकता रही है और हम करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं और अगले एक वर्षों में भी हम और ज़्यादा मुस्तैदी से करेंगे जिसके नतीजे आपके सामने। तो ये मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, सभी विभागों को भी निर्देश मिला है, हम लोग मंत्री हैं सभी को मिला है कि ये मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है और हम बिहार के युवाओं को सरकार की तरफ से आश्वस्त करते हैं कि ये जो हमारी उपलब्धि है और ख़ास तौर से जो हमने लक्ष्य रखा था उसके विरुद्ध, जो उस मामले में रोजगार देने के मामले में भी हमने लक्ष्य से अधिक सफलता हासिल की है, यह हमारे मुख्यमंत्री जी के सफल नेतृत्व का परिणाम है कि आज इस रूप में आया है और आज लाखों रोज मतलब युवा सरकारी रोजगार पा, सरकारी नौकरी पा के या सरकारी नीतियों के परिणाम से सृजित रोजगार के अवसर का लाभ उठा रहे हैं, ये सबके सामने है। तो ये इसमें बिहार के युवाओं को भटकने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार का ही के ही मतलब नीतियों का परिणाम है और ये लगातार चला है, किसी एक कालखंड की बात नहीं है। तो ये बिहार के लोगों को, खास तौर से युवाओं को समझना चाहिए और इसमें लगातार जो आने वाले समय में भी हमारी उपलब्धियां होंगी, बढ़ेंगी, तो वो भी आपको समय समय पर विभागों के द्वारा दे दी जाएगी। और आपको तो उसमें अलग अलग सब कुछ बताया गया है, आज आपने दिया भी है, अब आप बताइए कि हम लोगों ने उसका ब्रेकअप भी आपको दिया है, होगा ही, मेरे पास भी है जो कल गया है, 5,16,830 अब तक सरकारी नौकरी दी गई है। हम एग्जैक्ट फिगर बता रहे हैं इसलिए कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे और किन्हीं को अगर शक सुबह होगा तो हम इसका विभाग वाइज ब्रेकअप भी दे सकते हैं कि किस विभाग में कितनी नौकरियां दी गई हैं, इसीलिए हम एग्जैक्ट फिगर दे रहे हैं। और अभी विभिन्न विभागों से जो संकलित आंकड़े हैं उनके हिसाब से नियुक्ति की सारी प्रक्रिया पूरी करके अब नियुक्ति पत्र वितरण की स्थिति में है, जो पिछले 2.5-3 महीने से जो मॉडल कोड के कारण रुकी हुई थी, जो अब शीघ्र 2-3 महीने में पूरी हो जाएगी, वो भी लगभग 1,99,896 1,99,896 मतलब समझ लीजिए कि लगभग 2,00,000। तो ये अभी तुरंत पूरा होने जा रहा है और 2,11,000
करीब जो नियुक्ति करने वाली संस्थाएं हैं, आयोग हैं, अलग अलग बोर्ड में जो किया जाता है, उनको लगभग 2,11,000 रिक्तियों की सूचना भेजी जा चुकी है। मतलब अब अलग अलग आयोग उनका प्रोसेसिंग करेगा, फिर उसकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी और इन रिक्त पदों पर भी नियुक्ति होगी। ये अभी तक जो भेजी जा चुकी है, और अगले वर्ष से लेकर अभी तक वो भी लगभग समझिए कि 3,00,000 इस महीने के बाद से लेके अगले वर्ष तक हम लोग लगभग 3,00,000 रिक्तियां भेजकर विभिन्न आयोगों के माध्यम से हम लोग इन पर नियुक्तियां करें। अभी ही आज ही हमको सुबह में बात हुई है विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय से इसी जानकारी को लेने के लिए। तो समझिए अभी तुरंत 550 से अधिक जो सहायक प्राध्यापक विभिन्न महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों के लिए नियुक्त होते हैं, उनकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अब उनकी अनुशंसा विभिन्न विश्वविद्यालयों को भेजी जा रही है। ये भी हो रहा है, तो सब तरफ रोजगार का सृजन हो रहा है। और ये इन जो ये जो नियुक्तियाँ हुई है, ये नियुक्तियाँ हुई हैं या रोजगार के अवसर जो सृजित हुए हैं, जैसा कि हमने कहा, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सफल नीतियों का ही परिणाम है। इसमें किसी दूसरे को श्रेय लेने या झपटने की न कोशिश करनी चाहिए, और अगर कोई कोशिश भी करेंगे तो बिहार की जनता सब कुछ देख रही है, समझ रही है, और इसीलिए हम लोगों ने बिहार की जनता और खास तौर से युवाओं के सामने हम लोगों ने पूरा चित्र स्पष्टता से रख दिया है। और हम लोग तो चुनौती के साथ कहते हैं कि किन्हीं को अगर इन आंकड़ों पर शक सुबह हो तो हम लोग विभाग वार आंकड़े दे सकते हैं, किस विभाग में कितनी नियुक्तियां हुई हैं, अगले एक वर्ष में कितनी नियुक्ति या रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। तो इसलिए हम बिहार के लोगों को, खासतौर से युवाओं को, अपनी सरकार और नेता मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमने जो आपसे वादा किया था, न सिर्फ हमने उसको 100% पूरा किया है, बल्कि किए गए वादे से भी अधिक आपके हित में हमने काम किया है। इसलिए भरोसा रखें और 2025 का माहौल, क्योंकि हम आपके जो पैमाने पर, आपके अपेक्षाओं पर हम खड़े उतरे हैं, इसलिए 2025 के बारे में आप अभी से मुखर हो जाइए। खास तौर से हम युवाओं से अपील करेंगे कि भाई बिहार के युवाओं को अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए या भविष्य को उज्जवल करने के लिए जो हमने करके दिखाया है, जो हमारी उपलब्धियां हैं, उसके आधार पर न उनको सिर्फ आश्वस्त रहना चाहिए, बल्कि आने वाले समय के लिए अभी से माहौल अनुकूल बनाने के लिए अधिक मुखर होके सरकार और गठबंधन के समर्थन में आगे आना चाहिए। हम यही आपके माध्यम से बिहार के युवाओं से अपील करना चाहते हैं। और सबसे सोचने की बात है कि आप देखिए, ये नियुक्तियां जी हुई है, इसमें 100% आरक्षण का पालन हुआ है। मतलब समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं, कोई चाहे अगला हो, पिछला हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, इसमें सभी वर्ग के युवाओं की नियुक्ति हुई, कोई वर्ग उपेक्षित नहीं है, सबको अपनी अपनी हिस्सेदारी मिली है। इसलिए समाज के सभी वर्ग के लोगों को, युवाओं को सरकार में पूर्ण भरोसा रखना चाहिए। हम ही ने किया है, हम ही करेंगे, सीधी बात, क्योंकि बिहार को लोगों ने हम लोगों से पहले भी देखा है, अभी भी देख रहे हैं, जरूर फर्क महसूस कर रहे हो। हम यही आपके माध्यम से बिहार के लोगों, युवाओं से अपील करना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष आजकल बहुत 2-3 दिनों से
सेशन में ट्वीट कर रहा है, बता रहा है कि हमने 17 महीने ये किया, युवाओं को इतना नौकरी दिया, रोजगार के अवसर दिया, हमारे ही कारण अब सरकार दे रही है क्या? हमारे ही कारण सरकार ये नौकरियां दे रही है। और उनके पहले जो सरकार दे रही थी और उनके चले जाने के बाद जो सरकार दे रही है, और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई नियुक्ति कब होती है इसके लिए तो आपको उसके परिपेक्ष को भी देखना होगा ना, जो पद कब सृजित हुआ, प्रक्रिया कब शुरू हुई, नियुक्तियां कब हुई। अब एक शिक्षक के नियुक्ति का मेरे ख्याल से बराबर मामला आता है, और ये समझिए कि शिक्षकों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से हो, ये फैसला शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद हम ही लोगों ने, जब हम शिक्षा मंत्री थे उसी समय इसका फैसला कराया था, आयोग को अधियाचना भेजी गई थी और आयोग ने उसके नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की, तो उसमें तो कुछ वक्त लगता है। अगर इस बीच में कोई राजनीतिक परिदृश्य बदलता है तो इस फैसले का श्रेय तो कोई दूसरे लोग नहीं ले सकते। देखिए, अभी हमने आपको कहा ना कि हमारे पार्टी या सरकार या नेता का सिद्धांत है कि हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलते हैं। उदाहरण आपके सामने कि हमने नौकरियां दी हैं तो इसमें सभी जात सभी धर्म के लोग इसमें शामिल हैं। इसलिए सरकार की नीति है, हमारे गठबंधन की नीति है और हमारे नेता नीतीश कुमार जी का मानना है कि समाज के हर वर्ग के लोगों का विश्वास और समर्थन लेके ही सरकार को काम करना चाहिए, जो हमारे नीतियों और उपलब्धियों में स्पष्ट रूप से झलकता है और परिलक्षित होता है। नहीं, देखिए अब पता नहीं पार्टी में किन्होंने ऐसी बात की है। हमारी जो जानकारी है ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, और हम पार्टी के नेताओं से भी कहेंगे कि इस तरह के संवेदनशील मामले पर कोई अपने तरफ से प्रतिक्रिया नहीं दें, वरना इससे एक संशय की स्थिति उत्पन्न होती है जो बिल्कुल निराधार बेबुनियाद होती है। मुख्यमंत्री आवास में क्या इस तरह की कोई चर्चा होती है कि आप लोग रोजाना वहां जाते हैं, मुख्यमंत्री से रोजाना आपकी होती है? हम जो जाते हैं और हमारी जो बात होती है उसके आधार पर वही निष्कर्ष है जो अभी हमने आपको बता दिया। नौकरी के इशू पर आप बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव ये भी दावा कर रहे हैं कि 3 लाख नौकरियां जो है जब मेरा कार्यकाल था प्रक्रिया थी जो मैंने करवाई थी। अब सवाल है उनके समय में जो नौकरी हुई उनका भी श्रेय उन्हीं का है जो प्रक्रिया चुनी हुई। सवाल है कि जब हमने आपको कहा ना कि नौकरी देना ये 7 निश्चय 2 का वादा था, बिहार की जनता ने हम लोगों को इस कार्यकाल में नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA गठबंधन के रूप में ही अपना भरोसा दिया था, अपना विश्वास दिया था, और ये जो हमने उपलब्धि बताई है ये पूरे कार्यकाल की उपलब्धि है, किसी खास परिस्थिति में किसी खास समय में। अब अभी जो प्रक्रिया चल रही है, अगले साल अगर वो नियुक्ति होती है तो वो नियुक्ति उस समय कौन मंत्री है वो कैसे ले सकता है, सीधी बात है। तो ये सारी नियुक्तियाँ ये NDA सरकार के द्वारा 2020 में ही निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर की गई है।
जिसका श्रेय एनडीए सरकार, जिसको जनता ने अपना मैंडेट दिया था, ये उसका है और मुख्य रूप से इसके नेता नीतीश कुमार जी का है। उस पर विभाग और सरकार पूरी तरीके से नजर रखे हुए है, ठीक है।